नमस्कार बहन वाजपेयी, अपने YouTube चैनल बहन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज किस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज बात करेंगे SSC CHSL 2019 एग्जाम के बारे में कि SSC CHSL 2019 टीयर टू का जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। उसके अलावा अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपको किस माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करनी चाहिए, और आज का जो वीडियो है वो उसको बनाने के पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं आपको समझा सकूं कि अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि टीयर टू का जो रिजल्ट है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। सारी बातें यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जो बाटाई में फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि वो सारे फैक्टर को यहाँ पे मैं इंक्लूड करने वाला हूँ जो कि आपके फाइनल सिलेक्शन में मैटर करते हैं। कहीं ना कहीं जो टाइपिंग है आपका वो सबसे बड़ा मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री यानी कि जो टाइपिंग है, तीनों में जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और तीनों स्टेजेस को जो क्वालिफाई करेगा कहीं ना कहीं उसी का फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके अलावा जो फाइनल आपकी कट ऑफ आएगी वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगी, कितना कंपटीशन रहेगा और जो आपका टाइपिंग है वो कितना ज्यादा मेजर रोल आपके सिलेक्शन में प्ले करने वाला है उस पर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूँ। इस वीडियो को बनाने के पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं आपको पूरा सिनेरियो समझा सकूं कि CHSL में कैसे सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये भी शेयर करनी है कि अगर आप SSC CHSL 2019 का टाइपिंग 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने कंप्लीट टाइपिंग का कोर्स बना दिया है, जिसमें आपको 32 टाइपिंग के पैसेज मिलेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के पैसेज हैं, यानी कि जो कि मैंने RTI के थ्रू निकाले हैं वो सारे आपको पैसेज मिलेंगे, और ये पैसेज आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, और कंप्लीट इन्हें मैंने चेक किया है और इसमें बिल्कुल भी एरर नहीं है। तो 32 आपको जो प्रीवियस ईयर SSC CHSL और CGL के टाइपिंग पैसेज है वो यहाँ पे मिलेंगे, प्लस 60 आपको जो एग्जाम बेस्ड आपके पैसेज हैं, और उसमें आपके एग्जाम बेस्ड भी है प्लस जो जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम में आपका टाइपिंग होता है वो सारे पैसेज वहां पे मैंने कंक्लूड किए हैं। उसके अलावा यहाँ पे कंप्लीट आपको टिप्स दिया गया है कि किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है। उसके अलावा सारे आपको वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको जीरो से लेकर के हायर लेवल तक सिखाया जाएगा कि आपको कैसे अपनी स्पीड बढ़ानी है, कैसे टाइपिंग में आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको ऑफलाइन कितना करना है टाइपिंग, ऑनलाइन कितना करना है, उसके अलावा अगर ऑनलाइन टाइपिंग करना है तो किस सॉफ्टवेयर पर करना है, तो कंप्लीट आपको जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा। तो थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके का कंटेंट है। जैसे इस तरीके से आपको सारे इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं कि क्या क्या आपको चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, उसके अलावा क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं उसको भी मैंने हार्ड कॉपी में आपको दिया हुआ है। उसके अलावा ये जो प्रीवियस ईयर जो टाइपिंग के पैसेज हैं वो आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल आपके एरर लेस हैं और ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। जो 32 टाइपिंग के पैसेज हैं ये सारे CHSL और CGL के एग्जाम में अभी तक जो पैसेज आए हैं वो सारे ये पैसेज हैं। उसके अलावा जो एग्जाम बेस्ड मतलब जिस तरीके का आपका एग्जाम होता है, जिस तरीके के आपके एग्जाम में पैसेज आते हैं हूबहू वैसे ही आपको पैसेज जो हैं वो 60 पैसेज दिए गए हैं, और इसमें जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम में जहां पर भी टाइपिंग होता है वो सारे पैसेज हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ही यूनिक कंटेंट है, और इससे आपको 100% बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। CHSL 2018 वालों के लिए जो कंटेंट मैंने बनाया था उसमें सभी लगभग सभी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, और उससे लगभग 3 गुना बेटर कंटेंट है। और यहाँ पे आपको वीडियो कोर्सेज भी मिलेंगे, पूरा आपको कंप्लीट समझाया जाएगा, और इस सब के लिए जो फीस है वो बहुत कम है। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, 6307185699 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं 6307185699 इस नंबर पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो हमने वीडियो का हमारा टाइटल है उस चीज पे हम आते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे
कि टीयर टू की जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। तो यहाँ पे टीयर टू के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे जो आरटीआई लगाई गई है अभी, उसमें पता चला है कि 37,000 कुछ कैंडिडेट जो है वो आपके अपियर हुए हैं और लगभग इन्हें 35,000 कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको ये चीज तो समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे जो बाहर होंगे कैंडिडेट वो बहुत कम होंगे, मतलब नाम मात्र के कैंडिडेट जो है वो बाहर होने वाले हैं। इसका मतलब है कि रिजल्ट जो है वो 90% आपका आने वाला है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि लगभग हर एक कैंडिडेट यहाँ पे पास हो जाएगा, लगभग हर एक कैंडिडेट पास होगा। बहुत ही बुरी हालत जिसकी हो वो भले ही फेल हो जाए, उसके अलावा जो फेल होंगे बच्चे यहाँ पे वो वही होंगे जिन्होंने कोई ना कोई यहाँ पे मिस्टेक की होगी अपने पहले ही पेज पे। ये हो सकता है उन्होंने नाम अपना ना डाला हो सकता है उन्होंने सिग्नेचर ना कराया हो, जहाँ पे इन्विजिलेटर के साइन होते हैं वो कराना भूल जाते हैं बच्चे, तो उस वजह से ये सारे बच्चे बाहर होंगे। और कुछ उसमें ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ही बेकार लिखा होगा वो बाहर होंगे, बाकी अगर आपने ठीक ठाक लिखा है तो आप 100% क्वालिफाई कर रहे हैं टीयर टू का एग्जाम। टीयर टू एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टीयर टू जो है वो इतना बड़ा रोल प्ले करेगा ही नहीं, क्योंकि लगभग सारे कैंडिडेट आपके पास होंगे। तो अगर आप टीयर टू एग्जाम की मतलब टेंशन ले रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप 100% पास है। और इस बार आपका जो दिया गया था टॉपिक वो कॉमन टॉपिक था, और जब भी कॉमन टॉपिक दिया जाता है तो उसमें कोई भी स्टूडेंट जो है वो इतनी जल्दी फेल नहीं होता, और लगभग सभी कैंडिडेट को जो एवरेज मार्क्स है वो मिलते हैं। जो ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा लिखता है उसको मतलब जो एवरेज है उससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बाकी फेल कोई भी नहीं होता है। और टीयर टू का जो एग्जाम है उसमें अगर आपने थोड़ा बहुत भी आपके अंदर अगर भाषा का ज्ञान है, थोड़ा बहुत भी अगर लिखने की कैपेबिलिटी है, तो आप बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। और अगर 2015-2016 की बात करें तो वहां पे तो कट ऑफ इसकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग यानी कि 33 नंबर थे वही जाती थी, और 2015-2016 में आपका टीयर टू की कट ऑफ नहीं लगाते थे ये लोग, सिर्फ ये बताते थे कि आपने टीयर टू एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, फिर डायरेक्ट आपका टाइपिंग होता था, टाइपिंग के बाद फिर रिजल्ट, फिर उसके बाद डीवी होता था। लेकिन 2017 से क्या किया कि टीयर टू की भी कट ऑफ बनाई, उसका रीजन क्या कि यहाँ पे भी बच्चे ज्यादा क्वालिफाई हुए, तभी तो कट ऑफ बनानी पड़ी क्योंकि बाहर करना है, क्योंकि टाइपिंग में सिर्फ 7 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा और यहाँ पे जो अटेंडेंस है वो ऑलरेडी पहले से ही कम है। तो कितनी जाएगी कट ऑफ उसके बारे में प्रेडिक्ट कर देता हूँ। फिलहाल आप इतना मान के रखिए कि लगभग जो है सारे कैंडिडेट जो है वो पास है, आपको टीयर टू की जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो टेंशन लेनी है वो टाइपिंग की लेनी है, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि जो फाइनल कट ऑफ है, जो फाइनल कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं आपकी टाइपिंग पे ही बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, और कौन कौन से पॉइंट है जो आपकी फाइनल कट ऑफ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें टीयर टू की कट ऑफ, तो आपको पता है कि टीयर वन की आपकी जो कट ऑफ है वो यूआर की 159.5 को लगभग 160 नंबर, ईडब्ल्यूएस की अगर कट ऑफ की बात करें तो 149.98 यानी कि 150 नंबर, ओबीसी की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 156.10, एससी की अगर बात करें तो 136.10, एसटी की अगर बात करें तो 127.32। तो यहाँ पे टीयर टू की कट ऑफ कितनी जाएगी, देखो यहाँ पे लगभग सारे कैंडिडेट का रिजल्ट आना है क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट बाहर नहीं होंगे। तो इसमें हम अगर 50 मार्क्स भी ऐड कर लें और इतना मार्क्स लगभग सभी को मिलेगा, तो 50 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, अब इसमें क्या है कि जैसे 50 मार्क्स उन कैंडिडेट का होगा जो सिर्फ बॉर्डर पे है, पता चला जैसे कि आप 170 नंबर है तो आपने अगर कम भी स्कोर किया होगा तब भी आप क्वालिफाई हैं। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप हर एक कंडीशन में टीयर टू एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। फिलहाल आपकी सहूलियत के लिए बता देता हूं कि टीयर टू की जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी। तो अगर हम इसमें 50 मार्क्स ऐड कर लें तो टीयर टू की जो कट ऑफ है वो यूआर कैटेगरी से कितनी रह सकती है, 210 से 212। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें भी 50 मार्क्स ऐड कर देते हैं तो आपकी 200 से 203 रह सकती है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो इसमें भी 50 मार्क्स ऐड कर लो, 206 से आपकी 209 के बीच में रह सकती है। अगर एससी की बात करें तो 186 से 190 के बीच में रह सकती है। अगर हम एसटी की बात करें तो 177 से लेकर के 180 के बीच में रह सकती है। मैंने सभी में 50 नंबर ऐड कर लिए। अब यहाँ भी क्या है कि जैसे मान लेते हैं अगर आप बॉर्डर पे हैं तो 50 मार्क्स की आपको जरूरत है। जैसे मान लेते हैं अगर आपके 170 मार्क्स हैं तो अगर थोड़ा बहुत आपका टीयर टू जो एग्जाम है वो बेकार भी गया है तभी कहीं ना कहीं आप फाइट में हैं। यहाँ पे मेन जो है
वो टीयर टू जो है वो आपका मैटर नहीं करता है, मेन जो मैटर करता है वो आपका करता है टाइपिंग, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ है वही कहीं ना कहीं आपकी फाइट, मेन जो फाइट है वो फाइनल कट ऑफ में होने वाली है। यहाँ पे लगभग 90% आपका रिजल्ट आने वाला है। अब जो फाइनल कट ऑफ है इसकी वो कम जाएगी, क्यों कम जाएगी, उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कई रीजन है, सबसे जो मेजर रीजन है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहली बात कि जो 2019 का आपका एग्जाम है इसमें 30-40% या इवन हम कह सकते हैं कि डाटा जो है इससे भी ज्यादा है, 2018 वाले कैंडिडेट यहाँ पे 2019 में है। तो 2018 वालों का आपको पता है कि 30 जून को फाइनल रिजल्ट उनका अनाउंस हो जाएगा, तो 2018 वाले कैंडिडेट बाहर हो गए इस एग्जाम से। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा मेन रोल प्ले करेगा आपकी जो फाइनल कट ऑफ है उसमें। उसके बाद आपको पता है कि सीजीएल 2018 का भी फाइनल जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी 5-6% बच्चे सीजीएल वाले भी होंगे, तो उन्होंने भी एग्जाम दिया होगा तो वो भी कहीं ना कहीं बाहर हो गए। उसके अलावा सीजीएल 2019 का भी रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तब तक जब तक इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, तो ये भी बच्चे कहीं ना कहीं बाहर होंगे। और सीपीओ 2018 का भी फाइनल रिजल्ट अनाउंस होगा तो ये भी बच्चे बाहर होंगे। ये चार ऐसे मेजर पॉइंट है जो कि आपकी कट ऑफ को डायरेक्टली बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि जितने भी ये मैंने यहाँ पे एग्जाम लिखे हुए हैं कहीं ना कहीं मेजर कंपटीशन इन्हीं का होता है और सबसे ज्यादा बच्चे इन्हीं एग्जाम वाले हैं इसमें, क्योंकि आपको पता है कि सीएचएसएल 2018 वाला कैंडिडेट जरूर बैठा होगा यहाँ पे, जिसने सीजीएल दिया है वो भी यहाँ पे होगा, क्योंकि सीजीएल जो क्रैक करता है वही सीएचएसएल भी निकालता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी फाइनल कट ऑफ को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करने वाली है। उसके अलावा आपका टाइपिंग जो परफॉर्मेंस है वो कैसा होता है कहीं ना कहीं उसी पे आपका फाइनल कट ऑफ जो है वो डिपेंड करने वाला। जैसे मान लेते हैं आपकी कट ऑफ इतनी रही या इसके आसपास रही, तो आप ये मान के चलिए कि इन सब रीजन की वजह से आपका जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें बहुत ही बड़ा वेरिएशन आने वाला है। हो सकता है आपका अगर आप बॉर्डर पे हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो 2018 के आप एनालिसिस को देख लीजिए। 2018 में जो टाइपिंग हुआ है बच्चों का वो बहुत ही खराब हुआ है, इस वजह से उस कैंडिडेट के भी चांस है जिसने सिर्फ टाइपिंग को क्वालिफाई किया और वो बॉर्डर पे है। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो मेन आपको फोकस करना है वो प्री टाइपिंग पे करना है, क्योंकि अगर आपके मार्क्स इससे मान लेते हैं 5 या 10 नंबर ऊपर हैं, तब भी आप 5 नंबर भी अगर ऊपर हैं तब भी आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो कैंडिडेट हैं जो कि जिनकी पूरी पूरी दावेदारी यहाँ पे थी वो डायरेक्टली आपके एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे फोकस आपको अपनी टाइपिंग पे करना है, ना कि रिजल्ट के बारे में सोचना है। ये वीडियो मैं बना इसीलिए रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपको टीयर टू जो रिजल्ट है उसके बारे में नहीं सोचना, रिजल्ट तो आपका आ जाएगा। सभी मतलब जो अभी तक इतिहास रहा है एसएससी सीएचएसएल का 3-3.5 महीने लगते हैं रिजल्ट आने में, तो वही है कि आपका मई जो है मई में आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो रिजल्ट की चिंता मत करिए, आप फोकस करिए अपनी टाइपिंग पे, क्योंकि तो यहाँ पे अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो टाइपिंग सबसे बड़ा मेन रोल प्ले करेगा। तो फाइनल जो कट ऑफ है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिनेरियो फिर अलग होगा, उसको अभी से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि जो सिर्फ टीयर टू एग्जाम क्वालिफाई किया हो बॉर्डर पे होगा टाइपिंग निकाल देगा तभी उसका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि वहां पे कई रीजन जो है वो अफेक्ट करेंगे आपकी फाइनल कट ऑफ को। और क्या क्या मेजर रीजन हो सकते हैं वो मैंने सारे आपको बता दिए। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं कि आपको फोकस इस समय अपनी टाइपिंग पे करना है। तो आपको करना क्या है, आप टीयर टू की जो रिजल्ट है उसकी चिंता छोड़ दीजिए। टीयर टू में आपका हो रहा है, हर एक कंडीशन में हो रहा है, लगभग सारे बच्चे पास होंगे। फोकस करना है किस पे, टाइपिंग पे। तो टाइपिंग जबरदस्त तरीके से करिए। अब कुछ बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि सर टाइपिंग ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। देखिए टाइपिंग जो है वो मोस्ट प्रोबेबली ये है, ज्यादातर जो चांस है आपके 99% वो आपके ऑफलाइन पे है, क्योंकि ऑफलाइन टाइपिंग होगा, क्योंकि पिछली बार आपका ऑनलाइन टाइपिंग हुआ था जिसकी वजह से ढेर सारी प्रॉब्लम हुई थी बच्चों को, और इस बार आपका रीजनल हेड ऑफिस में ही होगा। और चाहे आपका ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये हकीकत है कि अगर आपको टाइपिंग की स्पीड अपनी बढ़ानी है, टाइपिंग को क्वालिफाई करना है, तो आपको ऑफलाइन ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अभी मेरी सभी स्टूडेंट से सलाह है कि आप ऑफलाइन ही ज्यादा से ज्यादा करिए। अगर आप 2 घंटे ऑफलाइन करते हैं तो
तो सिर्फ आधा घंटा आपको ऑनलाइन करने की जरूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी करेंगे आप ऑफलाइन की, उसी से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उसी से आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो फोकस करना है टाइपिंग पे, आप इतनी जी जान से अभी से टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए कि आपकी स्पीड 50 से ऊपर हो जाए, ताकि आपको टाइपिंग के बारे में टेंशन ही ना हो। किसी भी तरीके का टाइपिंग टेस्ट कराया जाए, कितना भी बेकार कीबोर्ड हो, हर कंडीशन में अपनी टाइपिंग को क्वालिफाई कर दो। और यहाँ पे इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो बच्चा टाइपिंग को क्वालिफाई कर देगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि टाइपिंग जो है वो इस एग्जाम में बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपना बड़ा भाई होने के नाते रिक्वेस्ट समझ सकते हो, मैं आप सभी को सलाह देना चाहता हूँ, सलाह समझ सकते हो कि आप टीयर टू की जो चिंता है उसे छोड़ दीजिए, फोकस अपनी टाइपिंग पे करिए, अभी से टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, टाइम बहुत कम है, क्योंकि टाइम को निकलते टाइम नहीं लगता है। क्या होता है कि अभी आप इंतजार कर रहे हैं और फिर इतना कम टाइम आपके पास होगा कि आप जो है टाइपिंग फिर इतनी जल्दी आपकी स्पीड नहीं बनती, क्योंकि टीयर टू का रिजल्ट आने के बाद मिनिमम आपको 20 दिन लगते हैं और मैक्सिमम आपको 40 दिन लगते हैं। तो इतने कम टाइम में आप टाइपिंग नहीं सीख सकते। तो अभी सभी से राय है कि आप अपनी जबरदस्त तरीके से टाइपिंग करिए। उसके अलावा जो हमारा कंप्लीट जो कोर्स है टाइपिंग का, वो आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, यकीन मानिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और मैं आपको जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक सिखाने वाला हूँ। जितना जबरदस्त कंटेंट मैंने आपको दिया है, बस इसी कंटेंट को आपको बार बार टाइप करना है, 100% इससे आपको बेनिफिट होगा। तो अगर आप इस कंटेंट को चाहते हैं तो आपको करना क्या है, 6307185699 6307185699 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो उम्मीद है कि आज जिस उद्देश्य के साथ मैंने ये वीडियो बनाया, वो उद्देश्य मैं आपके सामने रख पाया होऊंगा, आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो प्लीज अभी से फोकस करिए अपनी टाइपिंग पे, अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन बेहतर तरीके से समझ में आई हो तो इस वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रखिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।